हाँ भाई, क्या हाल है भैया? ये जो आप विजुअल्स देख रहे थे, ये थे कोच इमाद फुटबॉल एकेडमी सरबाजी ग्राउंड सिंगोलेन लियारी के। और अगर आपको लगता है कि हमारा पूरा मुल्क सिर्फ क्रिकेट पे फिक्सेटेड है और फुटबॉल की फैन बेस सोच है आपकी, ओ भाई मैसी एक दिन वहाँ रोया, तीन दिन ट्विटर पे यहाँ रोते रहे लोग, इतना बड़ा फैन बेस है। मगर चूंकि हमारे यहाँ कोई डोमेस्टिक फुटबॉल का सेटअप नहीं है, प्लेयर्स निकलते नहीं है, निकलते हैं तो हमें नज़र नहीं आते क्योंकि कमर्शलाइजेशन नहीं है। तो बट जस्ट बिकॉज हमें नज़र नहीं आते इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। भाई एक से एक रोनाल्डो मेसी हमारे हमने ज़ाया किया है। ये स्क्रीन पे देखें, एक बाल चचा है, ये अपने वक्त का बेहतरीन फुटबॉलर ब्राज़ील खेल के आया, मगर जब वापस आया ना यहाँ पे कोई डोमेस्टिक का सेटअप, ना यहाँ पे कोई फ्रेंचाइज मॉडल, ना कोई सैलरी का स्ट्रक्चर, तो मजबूरी में एक बाल चचा को फुटबॉल छोड़ के रिक्शा चलाना पड़ा। और अभी आखिर वक्तों में SIUT अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड थे। इस तरह हमने एक नहीं दो नहीं फुटबॉल की तीन जनरेशंस बर्बाद किए हैं सिर्फ पॉलिटिक्स, फेडरेशन की पॉलिटिक्स, फेडरेशन की करप्शन, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने जहाँ पे हुकूमती मामलात या इदारे आते हैं वहाँ पे फिर ये पॉलिटिक्स की नज़र हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए जहाँ पे बेहतरीन फ्रेंचाइज मॉडल आए। अब देखें PSL में देखें ना, जब फ्रेंचाइज मॉडल आया, पैसा लगा, इन्वेस्टमेंट्स आई, अच्छी ट्रेनिंग मिली, तो हसन भी निकला, शाहीन भी निकला। यही चीज़ फुटबॉल में भी चाहिए PFL की सूरत में, जो कि आ रही है पाकिस्तान फुटबॉल लीग, जिसमें इसी तरह 6 शहरों की टीमें होंगी, बेहतरीन ट्रेनिंग होगी, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, दुनिया के बड़े बड़े क्लब्स और बड़े बड़े क्लब्स के मैनेजर्स और प्लेयर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान में फुटबॉल डेवलप करने में, क्योंकि वो भी जानते हैं और वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान में ठीक ठाक टैलेंट है, बस उसको प्रॉपर मॉडलिंग की ज़रूरत है। और उसी चक्कर में जो है ना ये PFL होने जा रहा है। ये सारी बातें मैंने सुनी थी ज़ेब खान के नाम से एक साहब में, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था ग्लोबल सॉकर वेंचर्स के, उन्होंने ये बातें बताई थी। तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन ट्रेनिंग, फॉरेन टेक्निकल स्किल्स जो कि वो ट्रांसफ़र कर सके हमारे बच्चों में। बहुत टैलेंट है भाई, ये मैं सिंगल लेन में देख कर आया, एक नहीं दो नहीं कितने तो मेसी वहाँ घूम रहे थे। और मैंने वहाँ के कोच से पूछा कि भाई इस जगह की कितनी टीम है, तो उन्होंने कहा कि जी इस मोहल्ले की 6 टीमें हैं और साउथ की, कराची साउथ में 126 टीमें हैं, 126 रोनाल्डो, 126 मेसी, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई तंदूर पे बैठा है, कोई फ्रेंच फ्राइज का ठेला लगा के बैठा है। क्यों? फ्रेंचाइज मॉडल नहीं है, पैसे नहीं है, पैसा तो कमाना है ना भाई, फुटबॉल नहीं खा सकता इंसान को, रोटी चाहिए होती है, समझ रहे हैं? ये इस चीज़ की ज़रूरत है। और अभी ये साउथ की बात है, साउथ में 126 है, तो बाकी कराची में कितनी टीमें होंगी और फिर पूरे पाकिस्तान में कितनी होंगी? ओ भाई 6 टीमें निकाल सकते हैं वर्ल्ड कप की, बस ये कि प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट हो। और यही चीज़ जो है मुझे लग रहा है कि PFL ये करने जा रहा है। और सुना है कि एक बड़ा वर्ल्ड क्लास किस्म का एक स्टेडियम भी बनने जा रहा है फुटबॉल का, जो कि वो आने वाले वक्तों में रिवील करेंगे। तो बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, PFL विल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और मैं चाहता हूं आप भी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, इनको सपोर्ट करें। ये एक बाल चाचा हमने और नहीं बनाने, हमने रोनाल्डो बनाने, हमने मेसी बनाने, बल्कि हमने वो क्यों अपना बनाएंगे भाई, खल्ली वल्ली हम अपने स्टार बनाएंगे। तो ये तभी मुमकिन है कि जब एक प्रॉपर फ्रेंचाइज मॉडल होगा, अच्छी सैलरीज होंगी, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा खाना पीना। ओ भाई खाना पीना भी ज़रूरी है। अब वो मैं देखता हूँ बच्चे छालियाँ खा रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, वो छालियाँ खा रहे हैं, ये कौन सिखाएगा उनको कि भाई मावा नहीं खाना? मेसी मावा नहीं खाता भाई, वो रोनाल्डो कोल्ड ड्रिंक साइड में रख देता है, यहाँ हम चढ़ा रहे हैं इतनी शरबत, ऐसे नहीं होगा। ये चीज़ें प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर टेक्निक्स और प्रॉपर ट्रेनर, प्रॉपर कोचिंग से ही आएंगी, ठीक है? बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, 12-2 ओलंपिक्स की वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने यही कहा थी बार बार ये बात, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, सारा मसला सिर्फ मैनेजमेंट का है। सो आई होप PFL जो है इस चीज़ को चेंज करे, रेवोल्यूशनाइज करे फुटबॉल को, ताकि यार हम भी ज़रा डोमेस्टिक लेवल पर देखें यार हमारे यहाँ कैसे कैसा चीता पड़ा है। सो लेट्स होप, और बहुत सारी दुआएं, अपना ख्याल रखेंगे एंड कीप वॉचिंग, कीप योर आइज आउट फॉर PFL, और देखते हैं फिर कि कैसे कैसे स्टार निकलते हैं। थैंक यू।